नमस्ते दोस्तों, बबीता जी की रसोई में आपका स्वागत है। अंडा के आमलेट का सब्जी बना के दिखाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सर जार में जीरा, प्याज, लहसुन, टमाटर, सूखा मिर्ची, अदरक सब डाल के पीस लेंगे। इधर एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल डाल के कटा हुआ आलू को फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए, कटा हुआ प्याज को अच्छा से कूट लेंगे। जब ये अच्छा से कूट जाए, इधर एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाल के जीरा, सूखा मिर्ची, तेजपत्ता का तड़का लगा देंगे। कुटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। फौरन डाल के इसे अच्छा से भूनेंगे। फिर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार डाल के इसे चलाएंगे। फिर कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। फिर मसाला पेस्ट को डाल देंगे। डाल के मसाला को भूनेंगे। फिर इसे ढक देंगे। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। डाल के मसाला को भूनेंगे। फिर फ्राई किया हुआ आलू इसमें डाल देंगे। एक चम्मच मीट मसाला डाल देंगे। डाल के इसे चलाएंगे जब तक कि इससे तेल ना छूटे। फिर इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। इधर अंडा को तोड़ लेंगे। उसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च और लहसुन प्याज का पेस्ट थोड़ा सा डाल के कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल डाल के इसे आमलेट को बनाएंगे। फ्राई जब एक कर भाग पक लेंगे। जाए तो इसे पलट देंगे। अच्छा से पक जाए इसे पलट लेंगे। एक भाग ब्राउन हो दोनों गया भाग है, पक दूसरे जाए भाग इसे भी हो निकाल जाए तो लेंगे। इसे निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे को भी इसी कर तरह लेंगे। दूसरे आमलेट को भी कर लेंगे। फिर इधर इधर जो ग्रेवी बनाए ग्रेवी थे में उसमें सारे सारे आमलेट को अंडा के आमलेट को डाल रख देंगे। देंगे। रख के इसे ढक देंगे। अंडा से बना अंडा से आमलेट बना बनके हुआ तैयार आमलेट है। बन मेरे के चैनल तैयार को है। लाइक करें, मेरे सब्सक्राइब चैनल को करें, लाइक सपोर्ट करें, करें, शेयर सपोर्ट करें, शेयर नमस्ते करें। दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।